हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है माय स्मार्ट बिहार के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार की डेली ब्रेकिंग न्यूज 25 ताज़ा खबर हर एक सुबह मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, शराबबंदी को लेकर बिहार के लोगों को जागरूक करने के लिए सीएम नीतीश कुमार 22 दिसंबर को समाज सुधार यात्रा पर निकलेंगे। राज्य के सभी जिलों में जाएंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री जनसभा और राज्य की जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा भी करेंगे। जनसभा राज्य के 6 प्रमंडल के 1-1 जिले में और 3 प्रमंडल पट्टा, मुंगेर, तिरहुत के 2-2 जिलों में निर्धारित है। आपको बता दें कि 15 जनवरी तक चलने वाली इस यात्रा की शुरुआत चंपारण में होगी और इससे पहले भी सीएम पूर्वी चंपारण से ही यात्रा की शुरुआत करते रहे। अगली खबर, शराबबंदी पर मांझी के समर्थन में उतरे तेज प्रताप यादव। पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने पूर्व मुख्यमंत्री और हम सुप्रीमो जीतन राम मांझी के शराब पर दिए बयान का समर्थन किया और उन्होंने कहा कि बिहार में थाने से शराब की होम डिलीवरी हो रही, इसे रोकने के लिए बिहार के बॉर्डर को सील करने की मांग की है। जीतन राम मांझी की पार्टी हम बिहार में NDA की सरकार के साथ शासन में है, वहीं तेज प्रताप यादव की पार्टी RJD विपक्ष में है। तेज प्रताप यादव ने कहा कि जीतन राम मांझी ठीक बोल रहे और शराब में पूरा बिहार डूब चुका है। अगली खबर, नालंदा जिले में बढ़ी सैलानियों की संख्या, अतीत के खंडहरों से मिल रही इतिहास की जानकारी। नालंदा विश्वविद्यालय की जमीन से निकली इमारतें देखने के लिए हर दिन हजारों की संख्या में पर्यटक इन दिनों नालंदा पहुंच रहे। यूनेस्को से नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व धरोहर घोषित किया गया है और यहाँ हर दिन बिहार सहित अन्य प्रदेश से सैलानी खंडहर को देखने आते हैं। स्कूली बच्चे भी अपने इतिहास को जानने के लिए यहाँ शिक्षक के साथ पहुँचते हैं। विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। अगली खबर, बिहार में बढ़ रहा कोरोना का खतरा, ओमिक्रॉन को लेकर पूरा देश डरा है, लेकिन पटना में जो है लापरवाही जारी है। ओमिक्रॉन के 15 संदिग्धों की अब तक जांच रिपोर्ट नहीं आ पाई है। वहीं स्वास्थ्य विभाग का विदेश से आने वालों का डेटा भी 10 दिसंबर के बाद से अपडेट नहीं हुआ, इसकी जानकारी पटना के सिविल सर्जन को है और न प्रशासन को है। मौजूदा समय में पटना में 7 ऐसे संक्रमित हैं जो विदेश से लौटे हैं। पटना के सिविल सर्जन डॉक्टर विभा कुमारी ने ये जानकारी दी है। अगली खबर, आगामी जनगणना में अंगिका और बज्जिका भाषा का कोड निर्धारित करने की मांग तेज हो गई। RJD के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य मनोज झा ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर कहा कि अंगिका और बज्जिका बिहार की बड़ी आबादी की भाषा है और इनका कोड अब तक निर्धारित नहीं किया गया है। आपको ज्ञात होगा कि वैशाली गणतंत्र ने पूरे संसार को गणतंत्र और गणतंत्र के अंतर्निहित मूल्यों का संदेश दिया था। यहाँ अति समृद्ध लोकप्रिय भाषाओं में बज्जिका और अंगिका भी है, जिनका विशाल साहित्य है। बिहार में बोली जाने वाली अन्य भाषाओं में से सिर्फ बज्जिका और अंगिका का कोड निर्धारित नहीं किया गया है। अगली खबर, यूपी और बिहार के मछुआरों को आरक्षण देने के लिए मुकेश सैनी ने आंदोलन करने की चेतावनी दी। यूपी विधानसभा चुनाव के जरिए दिल्ली को साधने की तैयारी में विकासशील इंसान पार्टी सुप्रीमो मुकेश सैनी जुट गए हैं। उनका मानना है कि दिल्ली में ही सभी प्रकार के कानून बनते हैं और दिल्ली पहुंचने के लिए उत्तर प्रदेश में जगह बनाना जरूरी है। बिहार सरकार के मंत्री सैनी का कहना है कि बिहार में NDA गठबंधन की सरकार है और हम इसके मजबूत पार्ट हैं, लेकिन BJP को यह निर्णय लेना होगा कि हमारी दोस्ती कैसे आगे बढ़े। अगर हमारे मुद्दे को BJP सपोर्ट करेगी तो हम UP चुनाव में सहयोग करेंगे। हमारा मुद्दा मछुआरों के आरक्षण का है। जिस तरह बंगाल में आरक्षण मिल रहा, उसी तरह उत्तर प्रदेश और बिहार में भी मिले। अगली खबर, 20 दिसंबर से पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में होगा स्पॉट एडमिशन। 3 दिनों तक चलेगी नामांकन प्रक्रिया। 25 सीट के लिए डाउनलोड कर लें ऑफर लेटर। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से संबद्ध महाविद्यालयों में स्पॉट एडमिशन की तैयारी चल रही। स्टूडेंट्स 20 से 22 दिसंबर के बीच 25 सीट पर महाविद्यालय में स्पॉट एडमिशन करा सकते हैं। इसके लिए पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के DSW AK नाग ने महाविद्यालयों को पत्र जारी किया। महाविद्यालयों से 18 दिसंबर तक ऐसे स्टूडेंट्स का डेटा मांगा गया है जिन्होंने अपना एडमिशन रद्द करा दिया है। इसमें रेगुलर और वोकेशनल सभी छात्र छात्राएँ शामिल हैं। अगली खबर, राष्ट्रीय जनता दल ने जदयू और भाजपा को बिहार की बदहाली के लिए जिम्मेदार बताते हुए विशेष राज्य के मुद्दे पर आपस में नूरा कुश्ती करने का आरोप लगाया। राजद के प्रदेश प्रवक्ता चित्तरंजन गगन, मृत्युंजय तिवारी, एजाज अहमद और आभा रानी ने पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें कही। राजद नेताओं ने विशेष राज्य से जुड़ा राजनीतिक तथ्य एक एक कर सामने रखा और नीतीश कुमार की भूमिका पर सवाल उठाए।
अगली खबर, सीएम नीतीश कुमार ने जयनगर बराज का किया शिलान्यास। मुख्यमंत्री इस अति महत्वाकांक्षी योजना का शिलान्यास किया। बराज बन जाने पर कुल 29,559 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा सुनिश्चित होगी। इसके अलावा बराज बन जाने से नदी में जलप्रवाह का वाटर 292 मीटर से बढ़कर 550 मीटर हो जाने से बाढ़ अवधि में भी नदी के जलस्तर में कम वृद्धि होगी, जिससे बड़ी आबादी को बाढ़ से राहत मिलेगी। अगली खबर, कोरोना मामले पर हाईकोर्ट में हुई वर्चुअल सुनवाई। पटना हाईकोर्ट के समक्ष राज्य में कोरोना महामारी से उत्पन्न हुई हालात के संबंध में दायर जनहित याचिकाओं पर वर्चुअल सुनवाई हुई। शिवानी कौशिक बांधने की जनहित याचिकाओं पर चीफ जस्टिस संजय करोल व जस्टिस एस कुमार की खंडपीठ ने पूर्वाहन 11:30 बजे सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को नए सिरे से पूरे व सही तथ्यों की जाँच परख कर हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने पटना के सिविल सर्जन से सरकारी अस्पतालों के स्टोर में दवाओं की उपलब्धता को लेकर भी जवाब तलब किया है। अगली खबर, शादी की उम्र 21 साल करने पर सत्ता पक्ष हुआ खुश। केंद्रीय कैबिनेट ने लड़कियों की शादी की आयु सीमा 21 साल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। बिहार जैसे राज्य में जहां अभी भी बाल विवाह के मामले सामने आते रहते हैं और इसी के तहत वर्ष 15-16 में हुए सर्वे के सर्वेक्षण के दौरान 15 से 19 साल की 12 से 14% महिलाएं गर्भवती मिली थी, वहीं वर्ष 19 से 20 में हुए सर्वे में इस उम्र की 11% महिलाएं गर्भवती पाई गई। इसमें और भी अधिक सुधार की जरूरत है और इसको देखते हुए ये फैसला लिया गया। अगली खबर, बिहार में कोरोना का खेल आंख मिचौली वाला चल रहा है। किसी दिन उतार तो किसी दिन चढ़ाव की स्थिति बन रही। 24 घंटे में पटना में एक स्कूली छात्र सहित 2 लोग संक्रमित पाए गए, जबकि राज्य में कुल 5 नए संक्रमित मिले हैं। दिसंबर में लगातार संक्रमण का आंकड़ा बढ़ा है। अब तक 14 दिनों में कोरोना के 129 नए मामले सामने आए। अगली खबर, मोतिहारी के सीमावर्ती अनुमंडल रक्सौल में भारत नेपाल मैत्री पुल के पास एक नेपाली ई रिक्शा चालक को चाकू मारकर हत्या कर दी गई। उसकी पहचान मुजफ्फरपुर जिला के मोतीपुर थाना के जगन्नाथपुर निवासी जोगेंद्र शाह के पुत्र सुशील कुमार शाह के रूप में हुई। स्थानीय लोगों ने बताया कि चालक अपनी ई रिक्शा को पार्क कर रहा था कि 2 लोग अपाची बाइक से आए और उसके साथ मारपीट करते हुए उसे चाकू मार दिया, जिसके बाद उसे शरीर से अधिक मात्रा में खून निकल जाने के कारण इलाज के क्रम में उनकी मौत हो गई। इसके बाद नेपाल से आई पुलिस टीम और रैया थाना की टीम के द्वारा संयुक्त रूप से घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। अगली खबर, समस्तीपुर के सब रजिस्ट्रार मनी रंजन भ्रष्ट अफसर निकले। इनके खिलाफ भ्रष्टाचार में लिप्त होने का ठोस सबूत स्पेशल विजिलेंस यूनिट के हाथ लगे हैं, जिसके बाद SPU ने पटना में 1,62,36,925 रुपए का आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की FIR दर्ज की है और इसके खिलाफ ठिकानों पर कार्रवाई शुरू की गई। अगली खबर, पटना में रीट याचिका के निष्पादन तक प्रथम इंटर लेवल संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2014 के काउंसलिंग पर रोक लगाने को लेकर एक रीट याचिका पटना हाईकोर्ट में दायर की गई। याचिका के जरिए बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा काउंसलिंग के लिए चयनित पिछड़े व अत्यंत पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों से 31 अक्टूबर 2014 से लेकर 13 मार्च 2016 तक जारी किए गए नॉन क्रीमी लेयर जाति प्रमाण पत्र की मांग को लेकर कमीशन के सचिव के हस्ताक्षर से जारी अधिसूचना को रद्द करने को लेकर आदेश देने का भी आग्रह किया गया। अगली खबर, अब बिहार में विधान परिषद चुनावों की बारी। पंचायत चुनाव पूरा होने के बाद अब बिहार में विधान परिषद की 24 सीटों पर तैयारी शुरू हो गई। चुनाव आयोग शीघ्र इन सीटों के लिए चुनाव की घोषणा कर सकता है। ये सीटें 17 जुलाई से ही रिक्त पड़ी है। पंचायत चुनाव के कारण इन सीटों का मामला लटका था। 11 चरणों में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही अब इन सीटों पर मंथन जारी है। राज्य निर्वाचन विभाग ने पंचायत चुनाव के बाद इन सीटों पर समीक्षा शुरू कर दी है। समीक्षा के बाद वह अपनी रिपोर्ट चुनाव आयोग को भेजेगा। अगली खबर, BPSC कैंडिडेट्स के लिए बड़ी खुशखबरी। 67वीं PT में 68 सीटें और बढ़ी। बिहार लोक सेवा आयोग BPSC ने 67वीं प्रारंभिक संयुक्त परीक्षा के लिए 68 सीटों का इजाफा किया। इसके बाद 67th PT के अंतर्गत रिक्तियों की कुल संख्या 794 हो गई। आयोग के संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक ने 16 दिसंबर को जारी वृद्धि शुद्धि पत्र में यह जानकारी दी है। तो दोस्तों, बिहार की ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार की डेली ब्रेकिंग न्यूज 25 ताज़ा खबर हर एक सुबह मिलती रहे।